Peace be with you, my dear students. I hope you all are fine. So let us start right away with our today's lecture. Previously, we have started in our last series of lecture that was about the functional group. Okay, and before that, if we move, we started about the concept of these formation of alkyl radicals, and their parent compound was alkanes. Or then we studied about the concept of a homologous series, their properties we studied, and we have already started the functional group concept, and that contain carbon, hydrogen and oxygen. So there were almost five different functional groups falling under this family. So today we are going to start the third functional group, aldehydic group. We studied about the alcoholic group. Its functional group is OH. Its general formula is ROH. After that, we studied about the ether linkage. Oxygen is in between. On one side, there is a carbon chain. On the other side, there is again a carbon chain, and oxygen is in between. And its general formula was ROR dash, where R can be any carbon. Both of the carbons can be same, both of the carbons can be different that have surrounded the oxygen. So that is called ether linkage. So today we are going to start aldehyde group. Pay attention to what is an aldehyde group. Aldehyde group contains the functional group. It contains C double bond O H. This is the functional group. C double bond O H is the functional group. और यहाँ पे कोई भी R चेन कार्बन की चेन लग सकती है, हाइड्रोजन भी लग सकता है. ये देखें, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी हेयर, मिथाइल कैन ऑल्सो बी हेयर, इथाइल कैन ऑल्सो बी हेयर, लेकिन द मेन फंक्शनल ग्रुप जो है इट रिमेन सेम. C डबल बॉन्ड ओ एच इज द फंक्शनल ग्रुप. इसको कहते हैं, ये जो C डबल बॉन्ड ओ होता ना बच्चों, C डबल बॉन्ड ओ, इसको कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन. इसको कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन. कार्बन के साथ जब भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन. और इसकी एक अलग केमिस्ट्री है. इन आवर यूनिवर्सिटी वी स्टडीड अ होल कोर्स ऑन जस्ट दिस कार्बोनाइल कार्बन. इसकी केमिस्ट्री, इसके रिएक्शन, इसके कंपाउंड, इसके डेरिवेटिव. सो इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन. और इसकी अपनी जो केमिस्ट्री है दैट इज वेरी वास्ट, सिंस इट इज नॉट इन योर सिलेबस. सेकंड ईयर में है, थोड़ा सा इसका टच है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन. और इसकी जो है केमिस्ट्री इज वेरी वास्ट. और इसके साथ जब हाइड्रोजन लग जाता है इधर, तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है. क्या बन जाता है, एल्डिहाइड. और इसके साथ यहाँ पे कहीं आर ग्रुप लग जाए जिसमें इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, एनीथिंग can be there, R group, alkyl group हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं aldehydic group. आगे चलते हैं, so let us proceed further. Ketone को देखें, ketone और aldehyde they are closely linked together. Aldehyde में carbonyl carbon के साथ एक जगह hydrogen का होना जरूरी है. ये देखिए, ये carbonyl carbon के साथ एक जगह hydrogen का होना जरूरी है, वही उसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देता है कि इट इज कॉल्ड एन एल्डिहाइड. लेकिन कीटोन के अंदर क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन कीटोन, कीटोन के अंदर कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, उसके साथ आर ग्रुप का होना जरूरी. जैसे ईथर में था ना, ईथर में तो सिर्फ बीच में ऑक्सीजन था और एक साइड पे आर था, एक साइड पे आर डैश था. लेकिन कीटोन के अंदर, कीटोन के अंदर बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कार्बोनाइल कार्बन है. कार्बोनाइल कार्बन का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ है, और एक साइड पे आर ग्रुप लगा, एक साइड पे आर डैश ग्रुप लगा. इसमें हाइड्रोजन नहीं होता. अगर एक साइड पे हाइड्रोजन लगा होगा तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप कहलाएगा. क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एल्डिहाइडिक ग्रुप. लेकिन यहाँ पे दोनों साइड पे आर ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल दोनों साइड पे सेम भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में एसीटोन है, और दोनों साइड पे डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में एक जगह पे इथाइल लगा हुआ है, एक जगह पे मिथाइल लगा हुआ है. तो इसको हम कहेंगे एसीटोन कहेंगे, या इनके डाइमिथाइल कीटोन, और
इथाइल मिथाइल कीटोन वी विल कॉल इट। यहाँ तक समझ आते हैं आपको? जी गिव मी अ थम्स अप अगर आपको कीटोन और एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जी शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जी शाबाश शाबाश। ये पेपर में आते हैं इसलिए मैं जरा बड़े आराम से इसको करवा रहा हूँ, ताकि अगर नहीं भी समझ आता तो आप लोग मुझसे पूछ सके। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करते हैं, हमने स्टार्ट किया है कहाँ से, दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में भी हम वो वाली फैमिली पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। आगे भी और फैमिलीज मजीद पढ़ेंगे, तो अभी हम इसकी फैमिली को पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और उसमें हमने देखा एल्कोहल्स हैं, ईथर हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम्स फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था, कार्बोनाइल कार्बन इज देयर एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं कहते, इसको कहते हैं हम एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, तो वो इससे मिलके बना। ओके, यहाँ पे देखें अगर, और इसका जनरल फॉर्मूला है, ये पूरी फैमिली वैसे ही रहेगी और इसके साथ जो है कनेक्शन हो जाएगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बताएगा और इसके साथ जो आएगा आर आ जाएगा, आर कैन बी एनी ग्रुप। इसका मतलब ये है इसके साथ अगर हाइड्रोजन जो बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो अटैच करे तो फॉर्मिक एसिड कहलाएगा, अगर इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इसको एसिटिक एसिड कहेंगे। एसिटिक एसिड का एक और फॉर्मूला, एक और नाम भी होता है, क्या होता है जी बताइएगा? एसिटिक एसिड का कौन बताएगा नाम? इसको हम विनेगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका कॉमन नेम जो है बच्चों, लिख लें इसके आगे ताकि आपको याद रहे, विनेगर। पेपर में आप लिख सकते हैं कि एसिटिक एसिड कॉमनली नोन एज विनेगर, ठीक है। एथेनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है, एथेनोइक एसिड। इसको क्या कहा जाता है? एथेनोइक एसिड। क्यों इसको एथेनोइक एसिड कहा जाता है? क्योंकि एक कार्बन और दो कार्बन, तो दो कार्बन वाले को एथ कहते हैं, एक कार्बन वाले को मेथ। ये देखें इसको जो है, इसको मेथानोइक एसिड भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे दो कार्बन, इसको एथ और आगे ओइक, एथानोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है। एथानोइक एसिड वी विल कॉल देम। आई होप कि आपको यहां तक जो है क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। आगे की जानिब चलते हैं, एस्टर लिंकेज को देखते हैं। एस्टर लिंकेज जो है एल्कोहल से और एसिड से मिलके बनती है। इसके आगे लिख लें बेटा, ब्रैकेट के अंदर यू कैन राइट दिस कॉन्सेप्ट दैट एस्टर लिंकेज इज फॉर्म्ड व्हेन अल्कोहल, इसको इस तरह से ब्रैकेट में अल्कोहल प्लस एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ताकि आपको याद रहेगा, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कुछ स्टूडेंट्स कार्बोजाइलिक एसिड भी कहते हैं, नेम्स डजंट मैटर, केमिस्ट्री में प्रोनाउंसिएशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन इतना भी नाम ना बिगाड़ें कि केमिस्ट्स को बुरा लगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट वन। तो अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन कंबाइंड दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म एस्टर लिंकेज। इसको हम कहते हैं एस्टर लिंकेज कहते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिएगा इसमें जो होता है जनरल फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर,
अगर यहाँ पे खाल ओ ना होता और आर, और आर होता तो इसको हमने कहना था कीटोन, इसको हमने क्या कहना था कीटोन, लेकिन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक साइड पे आर लगा हुआ है, एक साइड पे ओ आर लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे एस्टर लिंकेज। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये एक आर ग्रुप लगा हुआ है और एक ये आर ग्रुप लगा हुआ है, इसका हम कहेंगे मिथाइल एसीटेट। क्या कहेंगे? मिथाइल एसीटेट। और इधर आए, एस्टिक एसिड से निकला ना, यहाँ पे भी देखें, ये एस्टर लिंकेज है, ये कौन सी लिंकेज है? एस्टर लिंकेज है बेटा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, जी मैं रिपीट कर देता हूँ, एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज जो है वो किससे मिलके बनता है बेटा? वो बनता है सी डबल बॉन्ड ओ तो हो गया, और ओ एक साइड पे होगा, उसके साथ एक आर ग्रुप लगा होगा, एल्काइल ग्रुप लगा होगा, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ओ के साथ होना जरूरी है, और एक साइड पे खाली जो है सिंपल आर ग्रुप लगा होगा, ठीक है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ ओ जो लगा, इसको हम एस्टर लिंकेज कहते हैं, और इसके साथ आर ग्रुप और आर लगा होगा, उसको हम एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिथाइल एसिटेट या इथाइल एसिटेट। अब समझ आया बेटा? जी बताइएगा। ओके, शाबाश। तो ये पांच कंपोनेंट्स थे एक ही फैमिली के, पांच फंक्शनल ग्रुप्स थे उस फैमिली के, जिस फैमिली के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके देखिए जरा आप स्क्रीन के ऊपर, प्राइमरी अल्कोहल्स, ये अल्कोहल्स में ही आता है, तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। चले बता देता हूँ, प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसके फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन के साथ एक कार्बन लगा होता है, ठीक है, सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी कार्बन के साथ दो कार्बन लगे होते हैं, और टर्शरी के साथ तीन कार्बन या आर ग्रुप्स लगे होते हैं, उसको हम प्राइमरी, टर्शरी या सेकेंडरी कहते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप था OH, ईथर का फंक्शनल ग्रुप था ROR, एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप था सी डबल बॉन्ड ओ, एक साइड पे आर ग्रुप लगा हुआ था, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, और एक साइड पे एच लगा हुआ था। एच होना जरूरी है, और अगर एच नहीं लगा होगा, आर ही लगा होगा, तो वो कीटोन कहलाएगा, जैसे कि कीटोन के आपने देखा। और कार्बोक्सिलिक एसिड दो चीजों से मिलके बनते हैं, वो कार्बोनाइल कार्बन और एल्कोहल से मिलके बनते हैं, कार्बोनाइल कार्बन और एल्कोहल से मिलके बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एक साइड पे उसके आर ग्रुप लगा होता है, ये तो सिमिलर बात है। एस्टर्स किससे मिलके बनते हैं, हमने देखा, एस्टर्स एल्कोहल्स प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। आइए चलते हैं आगे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब उस फैमिली को देखते हैं जिस फैमिली में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। अब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इसको हम कहते हैं एमाइन्स। क्या कहते हैं? इस फैमिली को हम कहते हैं एमाइन्स, ठीक है, अमीन जो है, अमीन्स भी कहा जाता है, एमाइन्स, लेकिन इसको मोर अप्रोप्रिएट वर्ड प्रोनाउंसिएशन इज एमाइन्स। ऐसा फंक्शनल ग्रुप एमसीक्यू में वो पूछ लेता है कि द फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एमाइन। एन की आवाज आ रही तो एन से नाइट्रोजन याद रखें, ठीक है, क्योंकि एन की आवाज है तो एन से क्या याद रखें, नाइट्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखें। देयर फंक्शनल ग्रुप इज NH2, NH2 के साथ कोई भी आर ग्रुप लगाया जा सकता है, RNH2, ठीक है, एंड देयर जनरल फॉर्मूला इज आर, वो तो मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। एग्जाम्पल ऑफ अमाइन्स आर मेथलेमाइन, मिथाइल एमाइन भी कहा, मिथाइल का क्या था? CH3, और एल्काइल कैसे बनता था? एल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस करके, तो मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन को माइनस किया तो मिथाइल बन गया, उसके साथ हमने एमाइन ग्रुप लगा दिया, तो इसको हमने कहा क्या कहा, मिथाइल एमाइन। और फिर डाई मिथाइल एमाइन अगर बनाना है तो इसके साथ दो मिथाइल लगा दे, एक मिथाइल दो मिथाइल, और अगर आपने दो मिथाइल लगाने हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, और जब एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया तो उसकी जगह आपने एक और CH3 लगा दिया, जो कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। फिर आगे की जानिब चलते, ट्राई मिथाइल एमाइन। अब ट्राई मिथाइल एमाइन अगर मैंने बनाना है तो ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव कर दूंगा, इस वाले हाइड्रोजन की जगह मैं ये मेथिल ग्रुप लगा दूंगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर से सारे हाइड्रोजन रिमूव हो गए, और अल्टीमेटली क्या बन गया, पहले मिथाइल एमाइन था,
फिर डाइमिथाइल एमाइन हो गया, और फिर देन एट द एंड ऑफ द डेट बिकेम ट्राई मिथाइल एमाइन। यहां तक समझ जाते हैं, एमाइन का समझ जाते हैं, ऐसी फैमिली जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, उसको हम कहते हैं एमाइन ग्रुप। जी बताइएगा, थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड। जी जल्दी से शाबाश, फिर हम आगे चलते हैं। गुड 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 गुड, बाकी भी बोला करें भाई। जी शाबाश। अब उस फैमिली को हम देखते हैं, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और हैलोजेंस हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हम अब तक दो फैमिलीज पढ़ चुके हैं, अब तीसरी फैमिली पढ़ने लगे हैं, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो कांस्टेंट पाया जा रहा है, क्यों? कौन बताएगा? शाबाश, बड़ा सिंपल कॉमन सेंस जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इन तीनों फैमिलीज में कार्बन और हाइड्रोजन तो पाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? कार्बन और हाइड्रोजन क्यों नहीं चेंज हो रहे? जी बताइएगा, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है। शाबाश, क्योंकि हम जो है ये केमिस्ट्री है हाइड्रोकार्बन्स की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर शाबाश डेरिवेटिव्स, वेरी गुड, एंड देयर डेरिवेटिव्स। शाबाश, तो कार्बन हाइड्रोजन मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अब पढ़ते हैं, हमने पहले देखा, पहली फैमिली देखी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, दूसरी फैमिली देखी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की, जिसको हमने एमाइंस कहा। अब देखते हैं तीसरी फैमिली कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजेंस की। हैलोजेंस क्या होते हैं भाई? हैलोजेंस होते हैं नोबल गैसेस के हमसाए, सातवें ग्रुप के एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। दीज आर द फैमिली कॉल्ड हैलोजेंस, सेवंथ ग्रुप में। इनके आउटर मोस्ट पे सात इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़ी सी इनकी केमिस्ट्री हमने देखी। आइए देखते हैं इनकी अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका लिंक क्या बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के साथ। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड्स। क्या कहते हैं इनको बेटा? इसको अंडरलाइन भी साथ साथ, पेंसिल पेपर आपके पास होना चाहिए, साथ साथ अंडरलाइन किया करें। दे आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड, जैसे कि मिथाइल हैलाइड। अब कैसे नाम बना, हैलाइड कैसे बना, वो भी मैं आपको बताता हूँ, आगे चल के बताता हूँ, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, जैसे हम कहते हैं ना HCl को कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं, तो इसी तरह इसको हम कहेंगे एल्काइल हैलाइड, क्योंकि हैलाइड के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन के साथ जो है वो एल्काइल ग्रुप लगा होगा, CH3 भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल रेडिकल हो सकता है, तो जब वो हैलोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल आयोडाइड, ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स के नाम है। इसका जनरल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप है RX, वेयर R इज एनी एल्काइल रेडिकल और X जो है वो कोई भी हैलोजन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एस्टेटीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर, ये देखिएगा जरा, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स प्राइमरी होगा, तो इसके साथ एक R ग्रुप लगा होगा, इसको हम कहेंगे इथाइल हैलाइड। सेकेंडरी होगा तो उसको हम कह रहे हैं प्रोपाइल हैलाइड, मतलब कि समझ जा रहा है वो। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये वैसे ही है जैसे कि हमने अल्कोहल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर फंक्शनल ग्रुप इसका एक्स है और इसके साथ एक कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा, उसके साथ वाले कार्बन पे एक फैमिली कार्बन अटैच होगा, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जरा ये कॉन्सेप्ट समझ लें ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ये फंक्शनल ग्रुप था इसका एक्स, इसके साथ वाले कार्बन के, इसके साथ वाले कार्बन के साथ अगर एक R ग्रुप अटैच हो, एक R ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी। अब आगे चलते हैं, X के एक दूसरे उसके साथ वाले कार्बन के साथ दो R ग्रुप अटैच हो, दो R ग्रुप अटैच होंगे तो हम उसको कहेंगे सेकेंडरी, ठीक है बेटा। ये समवन इज अनम्यूटेड, अनम्यूट, काइंडली म्यूट देमसेल्व्स, कंफ्यूजन हो रही है जी। तो और अगर X के साथ वाले कार्बन के साथ तीन R ग्रुप अटैच हो, ये देखिए 1, 2 and 3, तो हम उसको कहते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं हम उसको? टर्शरी एल्काइल
हेलाइड कहते हैं उसको। यहां तक समझ आता है कॉन्सेप्ट आपको, तो मुझे बताइएगा। जी शाबाश, वेरी गुड। फिर आखिरी फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपके सिलेबस में, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हमने पढ़ा था एल्कीन्स के अंदर होता है और उसका एंडिंग होती है ईन के ऊपर। एल्कीन इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड, वो एल्काइन कहलाता है। मेरा सवाल है आप लोगों से कि हम एल्कीन्स तो शुरू करते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन से, लेकिन एल्कीन हम शुरू करते हैं इथीन से। एल्कीन्स के अंदर मीथीन नहीं होता, एल्काइन्स के अंदर मीथाइन नहीं होता, क्यों? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, टेक्निकल है। लेकिन देखिए, इथीन जो है या इथाइन जो है, उसमें उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन मीथेन के अंदर आप देखते हैं, मीथेन में सिंगल कार्बन CH4 है, तो मीथीन नहीं हो सकता। मीथीन क्यों नहीं हो सकता? मीथीन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेथ में एक कार्बन है, और अगर मेथ में एक कार्बन है तो वो किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि हमने तो देखा कि एल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है, एल्काइन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो मेथ का जो ग्रुप है, मेथ जो नाम है, वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक कार्बन जो है वो किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? इसने तो कहा है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इथीन कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा, और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो एल्काइन कहलाएगा। तो इसलिए एल्कीन्स का पहला मेंबर होता है इथीन, क्योंकि उसमें दो कार्बन है और एटलीस्ट दो कार्बन चाहिए होते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपस में। ये समझ आता है कॉन्सेप्ट बच्चों? तो बताइएगा जल्दी से। शाबाश जी, गुड। तो अगर कोई आपसे कभी सवाल पूछे कि बेटा मीथेन जो एल्केन्स का ग्रुप है वो तो मेथ से शुरू होता है, कार्बन नंबर वन से शुरू होता है, लेकिन जो एल्कीन्स का ग्रुप है और एल्काइन्स का ग्रुप है वो तो एथ से शुरू होता है, टू कार्बन से शुरू। तो आपने कहना है कि चूंकि इनके फंक्शनल ग्रुप का की कैरेक्टराइजेशन है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज वाई इनको एटलीस्ट टू कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड शो करने के लिए। दे नीड टू कार्बन टू शो द डबल एंड थ्री कार्बन टू कार्बन टू शो द ट्रिपल बॉन्ड। ईजी हो जाएगा, समझ आ जाएगा आप लोगों को बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये जो एल्कीन्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला एल्कीन, इसके आगे इसका जनरल फार्मूला लिख लें बच्चों। इसका जनरल फार्मूला मैंने पहले भी गालबन बताया है, लेकिन दोबारा लिख लें। इसका जनरल फार्मूला होता है CN, लिख लें ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। CnH2N, ठीक है। और एल्काइन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। -2 इज द जनरल फार्मूला फॉर एल्काइन्स। चलें इसको ट्राई करके देख लेते हैं ये कैसे। इथाइन को हम देखते हैं, इथाइन का फॉर्मूला है CHCH, यानी कि C2H4 होना चाहिए इथाइन का फॉर्मूला। इथाइन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C2H4 होना चाहिए। आइए हम इसको फॉर्मूला से देख लेते हैं। कार्बन नंबर 2 है C2, तो N की जगह क्या आ जाएगा? 2 2 4, यहां पे 4 आ जाएगा, -2 कर दें तो 4-2 अल्टीमेटली क्या बन गया? C2H4 बन गया, वही फॉर्मूला बन गया जो कि उसने हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले किया होगा। आई होप कि टुडेज लेक्चर इज प्रीटी मच क्लियर। इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क।